सिंगरौली जिले के मोरवा मेढोली के वार्ड क्रमांक 10 में विस्थापित नेता सत्येंद्र साहू और भारतीय विस्थापित संघ द्वारा एनसीएल जयंत और दुधियाचूरा परियोजना के विस्थापन की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। विस्थापित नेताओं ने एनसीएल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि परियोजना द्वारा मुआवजा में कटौती की जा रही है, प्लॉट नौकरी और परिवार पंजीयन सहित सही तरीके से नहीं किया जा रहा है और विस्थापित नेताओं का कहना है कि अगर शीघ्र उनकी सुनवाई नहीं होती है तो 2 जनवरी को उग्र आंदोलन करते हुए कोयला डिस्पैच सहित जयंत सीएसपी बंद किया जाएगा। दिसंबर से हम लोग का अपने हक की लड़ाई जारी है, 23 मील पे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसमें विस्थापितों की मूल समस्या को लेकर हम लोग एक ज्ञापन माननीय विधायक जी के लेटर पैड में और भारतीय विस्थापित संघ के लेटर पैड में कई बार एनसीएल प्रबंधन को दिया गया है, लेकिन एनसीएल प्रबंधन सुनने को तैयार नहीं है। विस्थापितों के साथ हमेशा छलावा हो रहा है। इसी को लेकर हम लोग आर और पार की लड़ाई लड़ने के लिए 21 तारीख से आंदोलन कर रहे हैं और इसके कड़ी में जोड़ते हुए हम लोग 2 तारीख को विशाल धरना प्रदर्शन आंदोलन के साथ खदान में कूच करेंगे और जब तक हम लोग के साथ हक और न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना सीएचपी जयंत को रोक के और पूरे जयंत खदान का डिस्पैच रोक के प्रदर्शित करेंगे। इसमें हम लोग की मुख्य मांगे यही है कि जिनका परिवार पंजीयन में नाम छूटा है उनको दिया जाए, जो 19% की कटौती ये लोग किए हैं जो गैर कानूनी है उसको पूरा दिया जाए, प्रत्येक विस्थापित को। मढ़ौली विस्थापितों द्वारा 21/12/2021 से यहाँ पर धरना किया जा रहा है और मुख्य मांगे 5 सूत्री मांगे जो है विस्थापितों द्वारा एनसीएल को दी गई हैं और उसमें जो पहले से मांगे हैं कि यहाँ के विस्थापितों को सही तरीके से विस्थापन किया जाए, बहुत लोगों का मुआवजे में कटौती की गई है और परिवार सूची में बहुत सारे विस्थापितों को छोड़ा गया है उसे जोड़ा जाए और जो नौकरी की फाइलें 2 एकड़ पर लगी हैं उनको दे करके जो इनका वादा था कि हम लोग डिसेंडिंग आर्डर लागू करेंगे उसे तत्काल लागू किया जाए। देखिए हम लोग लड़ाई आंदोलन कर रहे हैं, जो पद पर बैठे हुए अधिकारी वो ध्यान दें, हम लोगों का सुने, क्योंकि हम लोग लड़ते लड़ते थक चुके हैं। अब इससे ज़्यादा हम लोग नहीं लड़ पाएंगे, अब लड़ेंगे तो हम लोग किन मांगों को लेकर आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग देखिए कई बार मांगों को रख चुके हैं और लेटर पैड भी भारतीय किसानों ने भारत से भी किया है और ये जो है कि भारतीय विस्थापित संघ से भी गया है, विधायक जी का लेटर भी गया है, कई बार हम लोग आगाह कर चुके हैं प्रशासन से लेकर सब नेता से लेकर सबको, लेकिन इससे आगे कोई सुनने वाला नहीं है।